वेलकम टू टॉप गार्डनिंग। आप देख रहे हैं ये हमारे कैक्टस प्लांट हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे कैक्टस प्लांट हैं, कैक्टस प्लांट जो होते हैं वो हम कटिंग से ग्रो करते हैं और कुछ कैक्टस प्लांट होते हैं कि जो सीड से भी ग्रो होते हैं, बट ज्यादा जो कैक्टस प्लांट होते हैं वो कटिंग से ग्रो होते हैं। और आप देख रहे हैं कि हमारे कैक्टस प्लांट, ये वाला कैक्टस प्लांट जो है, इसके हमारे जो कांटे हैं ये गोल कांटे हैं, चुभते नहीं है ये कांटे, और इसके कांटे हमारे काफी बड़े बड़े कांटे हैं। और ये हमारा देख रहे हैं एक ट्री के शेप में एक ये कैक्टस बन चुका है। और आज हम आपको बताएंगे कि इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं कैक्टस प्लांट की, और इस कैक्टस प्लांट की हम ज्यादा बड़ा कैक्टस प्लांट हो चुका है तो इसकी कटिंग करेंगे और इसकी एक ब्रांच हम आपको कट करके लगानी दिखाएंगे कि कैसे कट करके ब्रांच लगाते हैं। इस वाले कैक्टस प्लांट के अंदर से हम ये स्टोन रिमूव करेंगे और आप देख रहे हैं ये हमने पहले ही एक ब्रांच तोड़ रखी थी इसकी, और एक ये ब्रांच है और आपको नजर आ रहा होगा ये ब्रांच के अंदर से रूट्स आ रही है, तो ये वाला प्लांट जल्दी ग्रो करेगा और ये थोड़ा लेट टाइम लग जाएगा इसमें। और इसे ग्रो करने के लिए हम आपको बताएंगे कि इस जगह पर कम से कम इसे थोड़ा सा आधा इंच इसे मिट्टी में दबा देंगे हम इसे, इसे ऐसे हम मिट्टी में दबा देंगे और ये कम से कम 2 या 3 महीने बाद ही अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। और ये काफी खूबसूरत लुक आता है इसका, आप देख रहे हैं काफी प्यारा कैक्टस लगता है ये, और इसके कांटे भी नहीं चुभते। बट ये हर प्लांट ऐसा नहीं होता कि जिसमें कांटे हो वही कैक्टस होगा, जैसे इसमें दिखाई दे रहे होंगे आपको कि ये गोल गोल कांटे हैं बट ये चुभते नहीं है इसके कांटे। और हमारा एक दूसरा प्लांट है, इसकी हम आपको कटिंग करके दिखाएंगे। इस प्लांट को हम ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे, आप देख रहे हैं हमने एक कैक्टस प्लांट से हम काफी सारे कैक्टस प्लांट इसके बना सकते हैं क्योंकि इसकी हमने काफी सारी कटिंग कर ली है। इसे हमने थोड़ा छोटा बना दिया है और इसमें से ही ये ऊपर की जो ब्रांच होंगी ये सूख जाएंगी और साइड में से ही न्यू ब्रांच आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और इसकी भी हम एक कटिंग लगानी बताएंगे आपको कि इस वाले कैक्टस प्लांट की कटिंग कैसे लगाएं। इस प्लांट की कम से कम जितनी बड़ी हम कटिंग लेंगे उसका आधी कटिंग हम इसकी सोइल में दबा देंगे, इसे हम इसलिए इससे पकड़ रहे हैं क्योंकि इसमें काफी बड़े कांटे होते हैं। और हम पानी बहुत इसमें कम डालेंगे क्योंकि इस कैक्टस प्लांट के अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेता है कैक्टस प्लांट, तो इसलिए हम कैक्टस प्लांट में कोई भी कैक्टस प्लांट होगा उसमें हम पानी बहुत कम डालेंगे। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।